जय जिनेंद्र, मैं हूं ललित। नवपद होली की आराधना करने वाले सभी तपस्वियों को सुखसाता पूछते हुए उनकी खूब खूब अनुमोदना करता हूं। बहुत ही मुश्किल होता है 9 दिनों तक जीभ के टेस्ट का त्याग करके उबला हुआ भोजन वापरना, और इसके लिए जरूरत होती है प्रबल इच्छा शक्ति की, और इस प्रबल इच्छा शक्ति के लिए भी तपस्वियों की खूब खूब अनुमोदना। तपस्वियों ने नवपद की ओली की आराधना करके अपने आत्मशुद्धि के साथ शरीर को भी शुद्ध किया है, और आगे भी हम अपने जीवन शैली में छोटा मोटा बदलाव ला के अपने आत्मकल्याण के साथ अपने शरीर को भी निरोगी रख सकते हैं। हमें अपने भोजन में हमारा पारंपरिक अनाज मिलेट, मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, सामा, कुटकी, कोदरा और कंगनी वगैरह वगैरह इनको शामिल करना है, जो कभी हमारी थाली का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था, आज लगभग हमारी थाली से लुप्त हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल मिलेटों को प्रमोट कर रहे हैं, और उन्हीं के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। हाल ही के दिनों में हुए G20 सम्मेलन में मेहमानों को मिलेट के व्यंजन परोसे गए, ये सभी अच्छी और प्रशंसनीय बात है। आज हमारी थाली में हमारे पारंपरिक अनाज के बदले केवल और केवल गेहूं और वाइट चावल है। गेहूं और वाइट चावल की खेती में बहुत ज्यादा पानी, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, जो हमारे पानी के साथ हमारे भूमि के उपजाऊपन को भी निगल रही है, और अधिक मात्रा में पानी, केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज होने की वजह से असंख्य जीवों की हिंसा भी होती है, और गेहूं और चावल का सेवन हमारे ब्लड में ग्लूकोज को इमीडिएट रिलीज करते हैं। हमारे ब्लड में ग्लूकोज का इमीडिएट रिलीज होना क्रॉनिक इलनेसेस का खतरा बढ़ा देते हैं, जैसे कि डायबिटीज, ओबिसिटी, हार्ट डिजीज, कैंसर वगैरह वगैरह। मिलेट जिनकी खेती लगभग जंगली खेती की तरह है, ये लगभग बारिश के पानी में ग्रो हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम पानी लगता है, और ये बंजर भूमि में भी ग्रो हो जाते हैं, और ये मिलेट रेशे से भरपूर हैं जो हमारे शरीर को अंदर से साफ कर सकते हैं। इसलिए मिलेटों को अपनी डाइट में शामिल करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए वाटर को सेव कर सकते हैं, भूमि के उपजाऊपन को बरकरार रख सकते हैं, और अपने आप को इलनेस से वेलनेस की ओर ले जा सकते हैं, और असंख्य जीव हिंसा के पाप से भी बच सकते हैं। इसलिए मिलेट को जरूर अपने डाइट में शामिल करें। इसके साथ ही अपने भोजन की शुरुआत कम से कम सूर्योदय के 1 घंटे के बाद करें, और सूर्यास्त से पहले भोजन की समाप्ति, सूरज डूबने के बाद हमें भोजन नहीं करना, यही हमारे सर्कैडियन रिदम की जरूरत है, हमारे इंटरनल क्लॉक की नीड, और ये सिंपल डिसिप्लिन लगभग हमारी आधी से ज्यादा बीमारियों को अपने आप ठीक कर सकता है, और अगर हम निरोगी है तो हमें जिंदगी भर के लिए निरोगी रखने में हमारी मदद कर सकता है। एक बार फिर आंबिल के तपस्वियों को सुखसाता पूछते हुए उनकी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी का कल्याण हो, किसी को भी किसी भी तरह दुख का भागीदार ना बनना पड़े। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।